हाँ देखिए, सुनिए, तो एक बार जल्दी से 10 मिनट में पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन का रिवीजन करते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि अगर किसी पार्टिकल को यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे अगर हम फेंकते हैं तो इसका जो पाथ होता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। इस एक्सिस को अगर हम एक्स एक्सिस बोल दें, इस एक्सिस को अगर हम वाई एक्सिस बोल दें, बोलिए ना, और इसको अगर हम मैक्सिमम हाइट कह दें, इसको क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। और अगर हमने टी इक्वल टू जीरो पे फेंका है और ये वापस यहाँ के जमीन से टकराता है टी इक्वल टू कैपिटल टी टाइम में, तो इसे टी टाइम को बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसका फॉर्मूला होता है 2u sin θ/g। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u² sin² θ/2g, और रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin²θ/g होता है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी का एक कंपोनेंट अगर इधर टूटता है जिसको हम ux कहते हैं तो वो होता है u cos θ, और एक कंपोनेंट इधर टूटता है जिसको अगर हम ui बोलें तो ये होता है u sin θ। थीटा की तरफ तो कॉस, थीटा से दूर तो साइन। तो ध्यान से देखा जाए तो ये u sin θ जो है वो ui ना है, तो हम चाहें तो इसको 2uy/g भी लिख सकते हैं। सिमिलरली ये u sin θ का स्क्वायर है, तो u sin θ को अगर हम ui लिख दें तो ये लिखा हुआ है u y का स्क्वायर / 2g। और बताइए ये कितना आता था, ये आता था 2ux (ui/g), ऐसा करके आता था। फिर हम लोगों ने देखा था कि ये मैक्सिमम हाइट और रेंज के बीच का एक रिलेशन होता है जो होता है tan θ = 4h/r होता है, ठीक है। चलिए, और हम लोगों ने देखा था कि टाइम ऑफ लाइट और मैक्सिमम हाइट के बीच का जो रिलेशन होता है वो होता है टाइम ऑफ लाइट का स्क्वायर = 8h/g, सही है। चलिए, अगर हमको टाइम ऑफ लाइट को मैक्सिमाइज करना है तो एंगल कितना रखना होता है, 90 डिग्री, यानी आपको पार्टिकल को इस तरीके से फेंकना होता है, बोलिए ना, एकदम आपको मैक्सिमम टाइम ऑफ लाइट मिलेगा। और बताइए वो मैक्सिमम टाइम ऑफ लाइट होता कितना है, तो 2u/g, अगर आपने इसको u वेलोसिटी से फेंका है। तो अगर आपको मैक्सिमम हाइट को मैक्सिमाइज करना है, हम चाहते हैं खूब ऊंचा जाइए, तो उसके लिए भी आपको कैसे फेंकना होता है, 90 डिग्री पे। इसका मतलब हुआ आपको पार्टिकल को ऐसे फेंकना होता है, ये सबसे ऊंचा जाएगा, और इस केस में जो एक्स मैक्स आता है वो कितना आता है, तो u² / 2g। अगर आपको रेंज को मैक्सिमाइज करना है, रेंज को मैक्सिमम करने का मतलब हुआ कि हमको खूब दूर फेंक देना है, तो खूब दूर फेंकने के लिए आपको किस एंगल पे फेंकना होता है, 45 डिग्री पे। अगर आप u वेलोसिटी से 45 डिग्री के एंगल पर फेंकेंगे तो ये सबसे ज़्यादा दूर जाएगा, और इस केस में जो रेंज मैक्सिमम आता है वो कितना आता है, u² / g आता है। मैक्सिमम पॉसिबल टाइम ऑफ लाइट होता है u² / 2g, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल रेंज होता है u² / g। फॉर मैक्सिमम पॉसिबल टाइम ऑफ लाइट आपको फेंकना होता है 90 डिग्री पे, यानी वर्टिकली अपवर्ड, लेकिन फॉर मैक्सिमम पॉसिबल रेंज आपको फेंकना होता है 45 डिग्री पे। अगर हम इसको और इसको कंपेयर करें तो आपको नहीं लग रहा है कि ये u² / g है और ये u² / 2g है, यानी इसका आधा है ये, जा रे नीचे 2 लिख दोगे तो ये नहीं आ जाएगा, अरे बोलो, या u कहें तो इसका डबल है ये, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से 2 कटेगा ये आ जाएगा। तो हमने एक रिलेशन देखा था कि मैक्सिमम पॉसिबल रेंज जो होता है वो मैक्सिमम पॉसिबल हाइट का क्या होता है, डबल होता है, अरे बोलो ना, यानी मैक्सिमम ऊंचा अगर हम 50 मीटर फेंक सकते हैं तो मैक्सिमम दूर हम, अरे मैक्सिमम पॉसिबल हाइट का डबल ना होता है मैक्सिमम पॉसिबल रेंज, तो मैक्सिमम ऊंचा अगर हम 50 मीटर फेंक सकते हैं तो मैक्सिमम दूर हम 100 मीटर फेंक सकते हैं, डबल दूर फेंक सकते हैं, यानी हम ज्यादा दूर फेंक सकते हैं, ऊंचा हमसे कम ही फेंका जाएगा, अरे बोलिए ना। ये अलग बात है
कि दूर फेंकने के लिए फेंकना होगा 45 डिग्री पे, बोलिए, लेकिन ऊंचा फेंकने के लिए फेंकना होगा 90 डिग्री पे, ये हमने देखा था। फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर आप एंगल को 0 डिग्री से 90 डिग्री तक लगातार बढ़ा रहे हैं, बोलिए, तो टाइम ऑफ लाइट भी लगातार बढ़ेगा, मैक्सिमम हाइट भी लगातार बढ़ेगा। यानी सबसे ज़्यादा टाइम ऑफ लाइट और सबसे ज़्यादा हाइट आपको कब मिलेगा? 90 डिग्री पे। लेकिन रेंज में थोड़ा सा डिसकंटिन्यूटी आता है, और वो ये है कि एंगल को 0 से 45 डिग्री तक बढ़ाओगे तो रेंज बढ़ेगा, लेकिन 45 डिग्री से 90 डिग्री तक रेंज घटेगा। सही है? चलिए उसके बाद देखिए, हम लोगों ने देखा था कि अगर आप हाँ किसी को थीटा पर फेंकते हैं और किसी को फेंकते हैं 90 माइनस थीटा पर, हाइट रुकी नहीं, हाँ किसी को अगर आप फेंकते हैं कैसे बताइए, थीटा पर, और किसी को आप फेंकते हैं 90 माइनस थीटा पर सेम स्पीड से, 90 माइनस क्या थीटा पर सेम स्पीड से, बाबू इन दोनों केसेस में हाइट डिफरेंट होगा, टाइम ऑफ लाइट भी डिफरेंट होगा, लेकिन सेम होता है रेंज। ये जितनी दूर यहाँ जाके गिरेगा उतनी ही दूर यहाँ जाके गिरेगा। ये अगर R है तो ये भी क्या होगा, ये अलग बात है कि यहाँ H1 कुछ और होगा और यहाँ H2 कुछ, यहाँ टाइम ऑफ लाइट T1 कुछ और होगा, यहाँ टाइम ऑफ लाइट T2 कुछ, लेकिन रेंज सेम होता है। 90 और 90 माइनस थीटा पे रेंज सेम होता है। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि जो रेंज आपको 10 डिग्री पर मिलेगा सेम वही रेंज आपको 80 डिग्री पर भी मिलेगा, जो रेंज आपको 20 डिग्री पे मिलेगा ठीक वही रेंज आपको, अरे 90 माइनस 20 कितना, 70 डिग्री पे मिलेगा, अरे बोलिए जल्दी। लेकिन हाइट और रेंज अलग अलग होता है, ठीक है। एक रिलेशन मैं अभी बता देता हूँ, मन करे तो आप इसको याद रख सकते हैं फॉर कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हालांकि वो रिलेशन जो है अभी एक DPS मैंने आपके ग्रुप में डाला होगा, उसके दो क्वेश्चंस से ये रिलेशन आता है कि देखिए इस केस में हाइट कितना है, H1 ना है, और इस केस में हाइट कितना है, ये एक्चुअली 16R2, नहीं सॉरी, हाँ R2 जो आएगा ना, R2, अरे बोलो ना, ये एक्चुअली 16H1 × H2 के बराबर आता है, ऐसा आता है। क्या आता है? 16H1 × ये कौन सा H1 और कौन सा H2 है? ये वाला है, ये वाला है थीटा वाला, और ये वाला है 90। हाँ बहुत बढ़िया, तो थीटा और 90 माइनस थीटा वाले जो दो हाइट्स आते हैं ना, बोलिए, हाँ उनको मल्टीप्लाई करोगे, 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको रेंज का स्क्वायर मिल जाएगा। अगर ये रिलेशन आपको याद है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव लेवल में नीट में चाहे JEE मेन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। हो सकता है कि बोल देगा कि थीटा पर फेंके हैं और 90 माइनस थीटा पर फेंके हैं तो रेंज 50 मीटर आ गया, और थीटा पर फेंके थे तो मैक्सिमम हाइट 10 मीटर आ गया, तो बताइए 90 माइनस थीटा पर मैक्सिमम हाइट कितना आएगा? यानी तुमको ये दे दिया, तुमको ये दे दिया, तो ये नहीं निकल जाएगा? अरे बोलो, डायरेक्ट याद रख सकते हो। एक और चीज याद रख सकते हो, T1 × क्या T2 जो होता है, T1 × T2 को मुझको कैपिटल लिखना चाहिए, हाँ T1 × क्या बताओ, T2 जो होता है वो इक्वल होता है 2R by G के, किसके इक्वल होता है, 2R by G के। अच्छा आपको पेपर मिला है क्या? ये DPS वाला आपको पेपर मिला है?
ठीक है, हाँ ये बताइए, ये टी वन कौन सा वाला टाइम है? ये थीटा पर फेंका गया तो ये 90 माइनस थीटा पर, मन करेगा तो ये रिजल्ट याद रख सकते हो, हम चाहे तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने देखा था। फिर हमने देखा था, जहाँ तक मुझको याद आ रहा है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है। अगर मान लीजिए आप किसी पार्टिकल को फेंकते हैं, बोलिए ना, तो उसका जो पाथ होगा वो तो कुछ ऐसा ही ना होगा, बोलिए। अब मान लीजिए इसके पाथ के किसी पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स पता हैं, जैसे आपको पता है कि ये कितना है, एक्स है, और ये कितना है, वाई है, यू वेलोसिटी से फेंका है किसी थीटा एंगल पे, तो इन चारों लोगों के बीच का जो रिलेशन होता है वो होता है वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू यू स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसका एक और फॉर्म होता था, आपको याद होगा, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू यू स्क्वायर, वन अपन कॉस स्क्वायर थीटा को हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और ये बन जाएगा वन प्लस, हाँ, ये कब यूज होता था, जब हमको एंगल निकालना होता था। आपको याद होगा एक और फॉर्म था, वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स अपॉन आर, ये तब यूज होगा जब हमको रेंज की जानकारी होगी, बोलिए, तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के बाद हम लोगों ने देखा था, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम हाइट विथ ओरिजोंटल प्रोजेक्शन, यू वेलोसिटी से हमने मान लीजिए फेंक दिया, तो बताइए इस केस में क्या होता था, ऐसे जाके ऐसे कहीं टकराएगा तो टकराते समय स्पीड कितनी होगी ये पता करना था, बोलिए ना, जब वो टकरा रहा होगा उस समय इसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना होगा, इसकी वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना होगा, t इक्वल टू जीरो पे अगर हमने फेंका है तो किस टाइम पे ये यहाँ पहुँचेगा ये बताना है, बोलिए किस टाइम पे ये यहाँ पहुँचेगा ये हमको बताना है, बोलिए ना, और कितनी दूर जाके गिरेगा ये भी हमको बताना है। तो आपको याद होगा टाइम ऑफ लाइट इस केस में कितना आया था, अगर एच हाइट से हमने फेंका है तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, टाइम ऑफ लाइट कितना, उम्मीद ही बेकार है कि नहीं, उम्मीद ही बेकार है, सर आगे दो आदमी बैठा हुआ उन लोगों से पूछ लीजिए, हम लोग सर ताली बजाने आए हैं, आप लोग ताली बजाने आए हैं, दो आदमी पिच पर खेल रहा है, एगो स्ट्राइकर है एगो नॉन स्ट्राइकर है कि नहीं, हाँ हम बॉल डाल रहे हैं, तुम लोग स्टेडियम में बैठ के ताली बजा रहा है, बताओ कितना टाइम लगता है इसको यहां तक आने में, अंडर रूट टू एच बाई जी, याद आ रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में तो जस्ट इसको ड्रॉप ही ना किया गया है, फेंका तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में गया है, तो अंडर रूट टू एच बाई, ये वाली वेलोसिटी कितनी होगी, ये वाली वेलोसिटी सिर्फ यू ही होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी में बदलाव, ये वाली वेलोसिटी कितनी होगी, तो ये वाली वेलोसिटी होगी अंडर रूट टू जी एच, बोलिए जल्दी। अच्छा ये बताइए, रुकिए एक मिनट, ये वाली वेलोसिटी होगी अंडर रूट कितना, टू जी एच, हाँ बताइए रेंज कितना, तो रेंज का मतलब हुआ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना है u है, और टाइम कितना लगता है अंडर रूट टू एच बाई जी, तो ये सब रिजल्ट्स याद रखेंगे हम लोग, सही है, ठीक है, तो ये हो गया। और बताइए, तो स्पीड बताइए, स्पीड स्पीड कितना, स्पीड कितना, स्पीड कितना, तो स्पीड होता था अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, और मैंने तो कहा था कि ये वाला जो स्पीड है ना वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, अगर हम ऐसे फेंकें चाहे ऐसे फेंके, 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 किसी भी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे, बस आपको फेंकना है यू स्पीड से, किसी भी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे आपने फेंका है, जब वो जमीन से टकरा रहा होगा तो उसकी स्पीड उतनी ही होगी, सही है। तो ये सब हमने देखा था। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, होता क्या है कि जब हम किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से फेंकते हैं किस एंगल पे, बोलिए ना, किस एंगल पे, थीटा एंगल पे,
बोलो बाबू, छोड़ो हटाओ, वाई एक्सिस की जरूरत नहीं है। तो इसका पाथ कैसा होता है? पैराबोलिक होता है, ऐसा जाएगा, ऐसा जाके ऐसे आ जाके गिरेगा। बोलो बोलो, तुम बताओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? यू कॉस थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में यू साइन थीटा। आफ्टर सम टाइम जब वो यहाँ पहुँचा, तो जब वो यहाँ पहुँचा तो क्या होगा? इधर कहीं जा रहा होगा, क्या हुआ? कहीं इधर जा रहा होगा। आप बताइए, क्या स्पीड को मैंने थोड़ा कम कर दिया है क्या? इतना बड़ा है, यहाँ जाके थोड़ा छोटा हो गया है, ऐसा हो गया है क्या? क्यों किया है मैंने ऐसा? जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा इसकी स्पीड कम होगी, और नीचे आएगा तो स्पीड, मैं जानता हूँ स्पीड कम हो रही है, इसीलिए वेक्टर को मैंने थोड़ा छोटा बना दिया है। ठीक है, सही है। अब आप बताइए, इसका भी जब दो कंपोनेंट तोड़ा जाएगा तो एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा कि नहीं, बोलिए ना, और एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा कि नहीं, बताइए। ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? एक कितना होगा? यू कॉस थीटा ही होगा क्या? क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन ही नहीं है, तो ये यू कॉस थीटा ही रहेगा। लेकिन ये वाला कंपोनेंट तो चेंज होगा ना, ये देख रहे हो, चेंज होगा ना। क्यों चेंज होगा? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में तो एक्सेलेरेशन है। और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन कहाँ होता है? नीचे होता है। वेलोसिटी है ऊपर और एक्सेलेरेशन है नीचे, तो वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन अगर एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाए तो स्पीड कम होता है, इसीलिए ये कम हो गया है। बोलो ना कुछ, चलो भी डस लिख लेते हैं। अब ये कितना होगा वो तो डिपेंड करेगा कितने टाइम के बाद हम देख रहे हैं। अरे बोलो यार, मैक्सिमम हाइट पर पार्टिकल की वेलोसिटी किधर होगी? किधर होगी? इधर होगी कि नहीं होगी? क्यों इधर होगी? क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है गाड़ी के हेडलाइट के फोकस की तरह। अभी अगर गाड़ी चल रहा है तो अभी यहाँ होगा तो हेडलाइट का फोकस इधर ना होगा। जब ये गाड़ी चलते चलते यहाँ पहुँचेगा, हेडलाइट का फोकस इधर, और जब ये गाड़ी चलते चलते यहाँ पहुँचेगा तो हेडलाइट का फोकस इधर होगा। अब बोलिए, यानी वेलोसिटी पूरी तरीके से हो चुका है हॉरिजॉन्टल, तो बताओ ये वेलोसिटी होगा कितना? ये u cos थीटा ही होगा। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी में बदलाव नहीं होता है, तो u cos थीटा ही होगा। बताइए यहां पर वर्टिकल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इस डायरेक्शन वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, क्योंकि जो चीज पूरी तरीके से हॉरिजॉन्टल में है उसका वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा? जीरो। हमने ये बहुत पहले पढ़ा है, मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा है, वेक्टर पढ़ते समय पढ़ा है कि 90 डिग्री पे कंपोनेंट हो जाता है जीरो। तो वर्टिकल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। ठीक, आफ्टर सम टाइम जब ये पहुंचेगा कहीं यहाँ, बोलो बाबू। और देखो मैंने कोशिश किया है ना कि मैं ना एकदम सेम लेवल पे रखूं, कहाँ रखूं बोलो? सेम लेवल। तो ये कहाँ जा रहा होगा? ये तो इधर ना जा रहा होगा, बोलिए ना। और आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर जाते समय और आते समय स्पीड सेम होता है, इसीलिए मैंने कोशिश किया है कि जितना बड़ा मैं इसको बनाऊँ उतना ही बड़ा मैं इसको भी बनाऊँ। अगर इस समय स्पीड भी है बाबू, तो इस समय भी स्पीड कितना होगा? भी ये होगा। अब इसका भी तो दो कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ और एक कंपोनेंट आएगा नीचे की तरफ। बताओ इधर वाला कंपोनेंट कितना? अच्छा, ये यू कॉस थीटा ही होगा, मैंने हमेशा यू कॉस थीटा ही रहेगा, एकदम रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो वेलोसिटी भी नहीं बदलेगी और ये बिल्कुल यू कॉस थीटा ही रहेगा। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी बताइए कितनी होगी? अच्छा, यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी मैंने कितना लिखा था, तो यहाँ पर कितना होगा? भी डैस ही होगा, कुछ और होगा? हाँ ठीक है, माइनस भी डैस का मतलब नीचे की तरफ, लेकिन भी डैस होगा, कुछ और होगा? अच्छा, भी डैस ही होगा। कहाँ भी डैस ही होगा?
इसलिए होगा क्योंकि, सुनिए, इसका और इसका रिजल्टेंट ना ये है, तो अगर रिजल्टेंट सेम है, एक कंपोनेंट भी, तो दूसरा कंपोनेंट भी सेम ही होना चाहिए। तब ना इसका और इसका रिजल्टेंट अगर वी आ रहा है, तो इसका और इसका रिजल्टेंट भी कितना आएगा, वी आएगा। फिर जब वो जमीन से टकरा रहा होगा, तो ठीक उसी स्पीड से टकराएगा जिस स्पीड से आपने उसको फेंका था, यानी किस स्पीड से, यू स्पीड से, यू स्पीड से ही ना फेंका था, और ठीक उसी एंगल पे वो टकराएगा जिस एंगल पे आपने उसको फेंका था। और इसका भी अगर दो कंपोनेंट निकाला जाए, तो बाबू एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा, तो एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा, ये कंपोनेंट वही यू कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट वही होगा जो यहाँ था, यानी कितना, यू साइन थीटा। बारिश है ना, वाह। हाँ सुनो, अब देखो क्या हो रहा है, ये देखो, इधर देखो, बताओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा है, कोई बदलाव नहीं हो रहा है। अभी देखो यू कॉस थीटा है, यहाँ पर भी उतना ही बड़ा है, यहाँ पर भी उतना ही बड़ा है, यहाँ पर भी उतना ही बड़ा है, और यहाँ पर भी, लेंथ में भी देखो ना, लग रहा होगा कि सब सेम है, नहीं दिख रहा है, हल्का सा छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन मेरा इंटेंशन ये था कि मैं सबको क्या रखूँ, सेम ही रखूँ। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी के साथ देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए कम हो रहा है, और कम होते होते यहाँ जाके कितना, और फिर बढ़ा, लेकिन किस डायरेक्शन में, नीचे का डायरेक्शन में, और बढ़ते 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 इतना हो गया। तो वर्टिकल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी पहले कम होगी फिर बढ़ेगी, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन था, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। क्लियर है? और आखिरी में हमने ये देखा था कि अगर किसी टावर ओवर से ऐसा तिरछा फेंक दिया जाए तो क्या करना होता है, क्या करना होता है, पहले वर्टिकल डायरेक्शन को सॉल्व करके टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना होता है, फिर उस टाइम ऑफ फ्लाइट का यूज कर लेना होता है। हालांकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये है सही है, ठीक है।